ब्रेंडन मैकुलम को मिली इंग्लैंड टीम की नई जिम्मेदारी, उन्हें व्हाइट बॉल के लिए हेड कोच बनाया गया है। पहले से ही वो टेस्ट टीम के हेड कोच थे इंग्लैंड टीम के लिए, लेकिन अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली, उन्हें वनडे और टी20 के लिए भी हेड कोच बनाया गया है। तो ये बाकी टीमों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। वर्ल्ड में जितनी भी इंटरनेशनल टीम है जिनके साथ इंग्लैंड खेलती है उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, उन सब के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है वो। इसलिए क्योंकि टेस्ट में जिस तरीके से उनके कोचिंग में इंग्लैंड टीम में निखार आया और जिस बेबाकी से इंग्लैंड टीम खेलती है टेस्ट मैच, तो आप सोच सकते हैं कि वनडे और टी20 में किस तरीके से खेलेगी ब्रेंडन मैकुलम के कोचिंग में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपने देखा होगा जब से ब्रेंडन मैकुलम कोच बने हैं टेस्ट टीम के इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड टीम बहुत ही तेजी से बहुत ही आक्रामक होकर के खेलती, चाहे कोई भी टीम हो, विकेट गिरती रहती है लेकिन उनके जितने भी बल्लेबाज आते हैं वो बहुत ही तेजी से आक्रामक होकर के खेलते हैं और सामने जो भी विपक्षी गेंदबाज है चाहे कितना अच्छा बॉलर क्यों ना हो जरूर उनको धराशायी कर देते हैं, क्योंकि कोई भी आता है अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलता है। तो आप देखते होगा कि जो रन औसत है ना वो भी हमेशा टेस्ट में कभी कभी तो 6 से ऊपर का आपको मिलता होगा टेस्ट में इंग्लैंड टीम का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वनडे में क्या 500 प्लस रन बनेगा ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग में, और टी20 में क्या 300 के करीब हम लोग रन देखेंगे। तो ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम जब खुद भी खेलते थे तो बहुत ही तेज और आक्रामक खेलते थे और इसलिए उनको इंग्लैंड टीम ने अपना कोच बनाया टेस्ट टीम में। और जब कोच बनाया तो आपने देखा होगा इंग्लैंड टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया उनकी कोचिंग में, तो इसलिए उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो वनडे और टी20 के भी कोचिंग संभाले। तो ये बाकी टीम को अब जरूर संभल करके खेलना पड़ेगा इंग्लैंड टीम के खिलाफ, क्योंकि उनके पास बड़े से बड़े हिटर भी हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग भी है। तो जब वो बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो सोच सकते हैं कि कोई भी सामने कोई भी कितना बड़ा बॉलर क्यों ना हो जरूर वो उनको आक्रामक खेलने की कोशिश करेंगे और तेजी से खेलने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि वनडे में अब आपको 500 के करीब भी रन बनता दिखे या उससे ज्यादा का भी रन बनता हुआ दिखे इंग्लैंड टीम के साथ। तो ये चीज बाकी टीमों को अब सोचना पड़ेगा और नई रणनीति बनानी पड़ेगी कि अब उन्हें किस तरीके से इंग्लैंड टीम के साथ खेलना है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लैंड टीम में क्या क्या बदलाव आएगा ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग में, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। और क्रिकेट के हर एक लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें।